हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे रीजनिंग के पांच बेहतरीन प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये रीजनिंग के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 70 है। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला का निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यही पर है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है और ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जो संख्याएं अक्षर में दी हुई हैं उसे हम अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको अंक में कन्वर्ट नहीं करना है तो आपको क्या, ए बी सी डी में कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो यफ किस नंबर पड़ता है, 6 नंबर पड़ता है। यच हमारा 8 नंबर पड़ता है, ठीक है। ई हमारा 5 नंबर पड़ता है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, 3 नंबर पे क्या पड़ता है हमारा, सी। तो हमारा 3 नंबर सी पड़ता है, तो क्या किया है। और यफ हमारा 6 नंबर पड़ता है, ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, यच हमारा 8 नंबर पड़ता है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्या किया है, 3, 3 में 1 जोड़ा है तो क्या हो गया, 4। यानी कि 3 में 1 जोड़ा है तो 4 हो गया। देखिए दोस्तों, जो सी दिया है उसे किससे, 4 में, 4 में जोड़ा है। यानी कि सी हमारा 3 नंबर पड़ता है, उसमें 1 जोड़ा है तो 4 हो गया। और देखिए यहाँ पर 5 दिया और यहाँ पर 6, तो इसमें क्या किया, 5 में 1 जोड़ा है तो 6 हो गया है, 6 नंबर पे हमारा अब पड़ता है, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए क्या किया है, 4 में, 4 में क्या किया, 4 में 1 जोड़ दिया है तो 5 हो गया है। देखिए ई नंबर पे हमारा 5 आता है, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या किया है, यफ में क्या जोड़ा है, यफ में 1 जोड़ा है तो 7 हो गया है। यफ हमारा 6 नंबर पड़ता है और उसमें 1 जोड़ दिया तो 7 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए क्या किया है, 7 में 1 जोड़ा है तो कितना हो गया, 8 हो गया है। 7 में 1 जोड़ा तो 8 हो गया है, 8 नंबर पे हमारा यच आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ गया। उसी प्रकार अब देखिए, ई हमारा 5 नंबर पड़ता है तो 5 में क्या किया है, 5 में 1 जोड़ दिया है तो 6 आ गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी 6 आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब क्या करेंगे कि 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। और 7 नंबर पे हमारा क्या पड़ता है, जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी, 7 नंबर पे हमारा जी पड़ता है। उसी प्रकार अब यच में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 9। कितना आ गया, जी 9। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, पहले इन अक्षर को अंक में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसे सॉल्व किया और सब में एक एक जोड़ते चले गए, तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे सी वाला आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है, यदि वेन का अर्थ गुने, यू का अर्थ भागे, कम का अर्थ माइनस और विल का अर्थ प्लस हो तो 8 वेन, 12 विल, 16 यू, 2 कम, 10 बराबर क्या होगा, यही हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 8। वेन का अर्थ क्या है, गुने, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, गुने, ठीक है। और देखिए फिर क्या दिया है, 12। फिर व्हील का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, तो यहाँ क्या कर लेंगे, प्लस, ठीक है। फिर देखिए क्या दिया है, यहाँ 16, ठीक है, 16 हो गया। और यू का अर्थ क्या है, देखिए दोस्तों, भागे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, भागे, भागे 2, ठीक है। अब देखिए कम, कम का अर्थ क्या है, माइनस, कितना कर लेंगे, 10 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए 12 8 कितना होता है, 96 हो जाएगा, ठीक है, 12 8 96 हो जाएगा। प्लस अगर 16 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 10। अब हम इसे देखिए, 96 और 8 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। 104 में से हम 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 94। कितना आ जाएगा, 94। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आसान सॉल्व कर लिया हमने, इसमें कुछ करना नहीं है। वेन के स्थान पर क्या रखना है, गुना, विल के स्थान पर प्लस, यू के स्थान पे भागे, काम के स्थान पे क्या रखना है, कम के स्थान पे माइनस, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करना है, तो हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 94। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया, यदि पी बराबर 6, जे बराबर 4, एल बराबर 8 या और एम बराबर 24 हो तो दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या निम्नलिखित समीकरण का अभीष्ट मान होगी। देखिए दोस्तों क्या दिया, एम गुने जे भागे एल प्लस जे बराबर क्या होगा, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्न को हम कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए एम के स्थान पर क्या दिया है, 24 दिया है, ठीक है, गुने जे के स्थान पर क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और भागे एल के स्थान पर क्या दिया हुआ है, देखिए 8 दिया हुआ है, और प्लस जे के स्थान पर क्या दिया है, 4, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं, क्या कर लेंगे, 24 गुणे 4/8। देखिए दोस्तों यहाँ पर भागे का चिन्ह दिया हुआ है, इसी पर इसीलिए हमने 4/8 कर लिया, फिर प्लस 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 8 से हम 24 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 × 4 यानी कि 4 × 3 = 12 और प्लस 4 बचा तो कितना हो जाएगा, 16। देखिए 16 हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 16 भरा जाएगा। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 5 × 6 / 3 - 5 = 5 और 9 × 8 / 4 - 8 = क्वेश्चन मार्क, इसी को हमें सॉल्व करना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसे प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे मात्र कुछ ही सेकंड में। तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 में 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 आएगा, और 10 में से हम -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया 5, हमने क्या किया, 5 और 6 में गुना किया तो 30 आया, 30 में हमने 3 से भाग दिया तो 10 आया, 10 में से -5 किया तो हमारा आ गया 5, ठीक है। उसी प्रकार अब इसमें करेंगे, 9 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72, 72 में हम 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18, 18 में से अगर हम -8 करेंगे तो कितना बचेगा, 10, और 10 बचेगा किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमने क्या किया, 9 में 8 से गुना किया, ठीक है, तो हमारा आ गया 72, और 72 में हमने 4 से भाग दिया तो आ गया हमारा 18, 18 में से हमने 8 माइनस किया तो आ गया हमारा 10, और किस ऑप्शन में 10 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरा जाएगा, 10 भरा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी प्रश्न आपको बहुत ही आसान समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है, और क्वेश्चन मार्क हमारा यहीं पर दिया हुआ है, ठीक है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2B, 4C, 8E, 14H और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, पहले इन अंक को, ठीक है, जो संख्या दिए है उसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद अक्षर को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या किया है, 2 में क्या किया है, 2 में 2 जोड़ दिया है तो 4 हो गया है, फिर 4 में क्या जोड़ा है, 4 जोड़ दिया है तो 8 हो गया है, तो 8 में फिर 6 जोड़ दिया है तो 14 आ गया है, यानी कि पहले 2 फिर 4 फिर 6, 2 का गुना किया तो 4 हो गया, ठीक है, फिर 2 का 3 किया तो 6 हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 2, 4, 6, 8, 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 22 हो जाएगा। देखिए दोस्तों 22 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, दो ऑप्शन में दिया है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ऑप्शन सी और बी गलत हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इनमें से कौन सा सही होगा, अब क्या करेंगे, इस अक्षर को सॉल्व करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो देखिए क्या करेंगे, बी और सी, देखिए बी में यानी बी हमारा 2 नंबर पड़ता है, उसमें 1 जोड़ दिया है तो क्या हो गया, 3 हो गया है, सी हमारा 3 नंबर पड़ता है तो इसमें 1 जोड़ा है तो सी हो गया। अब क्या किया है, सी हमारा 3 नंबर पे, ई हमारा 5 नंबर पे, तो सी में क्या किया है, 2 जोड़ दिया है तो 5 हो गया है, देखिए ई नंबर पे 5 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या किया है, ई में यानी ई हमारा 5 नंबर पड़ता है, 5 में क्या जोड़ा है, 5 में 3 जोड़ा है तो हमारा 8 आ गया, 8 नंबर पे हमारा एच आता है, ठीक है, 8 नंबर पर हमारा एच आता है, तो क्या जोड़ा, 3 जोड़ा। उसके बाद हम एच में क्या जोड़ेंगे, एच में हम
चार जोड़ेंगे, यच में हम चार जोड़ेंगे यानी कि आठ में हम चार जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 नंबर पे क्या पड़ता है, यल पड़ता है, तो क्या आ जाएगा 22 यल। ठीक है, क्या आ जाएगा 22 यल। किस ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा और डी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 22 आई दिया हुआ है और क्या आया है 22 यल आया है। देखिए दोस्तों, हमने इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व किया, पहले जो संख्या दी गई थी उसे सॉल्व किया, फिर उसके बाद अक्षर को सॉल्व किया, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 22 यल आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा।